नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लत के बारे में बताने वाली हूँ जिससे हमारे दुनिया भर में सैकड़ों लोग ग्रस्त हैं। जी हाँ, बात करते हैं मोबाइल की लत की। मोबाइल की लत कैसे छोड़े, एक कहानी शुरू करते हैं। एक 13 साल का लड़का अपने घर में सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में लिखता है कि मम्मी आप रोना मत, ऑनलाइन गेम में मैं 40,000 रुपये डुबो चुका हूँ और इसके लिए मुझे माफ़ करना। एक और दूसरे शहर में 14 साल का लड़का, वो सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी मम्मी उसे स्मार्टफोन छीन लेती है और उसे लेकर के ऑफिस चली जाती है। बच्चे को मोबाइल गेम की लत लगी हुई थी। ऐसी बहुत खबरें आती रहती हैं जो खबर सुनने वाले के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिसके परिवार या किसी की फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है उससे एक बार पूछ कर देखिए उसको कितना बुरा लगता है। ज़िंदगी जीने का पूरा हौसला टूट जाता है। हमारे देश में करीबन 90 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जिसमें से देश में 40 करोड़ लोग 2022 में किसी ना किसी तरह का गेम ज़रूर खेलते हैं। ऐसे में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ ये जानने की कोशिश करने के लिए आखिर स्मार्टफोन के यूज़ से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और क्या इस समय का और इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है या नहीं। हर समस्या और समाधान की गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद मैं ये टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, इसलिए इसे आपको बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। हो सकता है आप खुद मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं या आप हो सकते हैं। आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जो स्मार्टफोन एडिक्शन का शिकार हो रहा है और आपके बच्चे भी हो सकते हैं और ये बात आपको पता नहीं होगी। आज हम हर उस बिंदु को कवर करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये जान सकेंगे कि हम स्मार्टफोन के प्रभाव में कितना फंस रहे हैं। कितने लोगों के फैमिली में इतने बच्चे हैं जो बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। वो तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक उनके हाथ से स्मार्टफोन ना दे दो। ये बच्चों की बात नहीं, बड़े भी कम नहीं हैं। कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो उनकी मुंडी नीचे ही रहती है। आस पड़ोस में कौन है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, सर्दी गर्मी बरसात क्या चल रही है, कोई मतलब नहीं है। केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं, उनको केवल अपने मोबाइल से ही मतलब है। WHO ने एक बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें बताया गया है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को कितना टाइम मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजारना चाहिए। वो बच्चों की गाइडलाइन थी। हम बड़े क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के सामने ऐसा क्यों एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? क्या हमारे सपने इतने हल्के हैं कि छोटी सी 4 से 6 इंच की जो स्क्रीन है उसके अंदर ही सिमट कर रह गई है? यह एक ऐसी लत है ना जो बहुत सारे लोगों को चपेट में ले रही है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। छोटे बच्चों को आप डरा धमका कर के मोबाइल से दूर रख सकते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान समझदार हो और उसके बाद भी वे स्मार्टफोन के एडिक्शन में हो। एक रिपोर्ट में आया था कि 50% से ज़्यादा टीनेजर्स मोबाइल फ़ोन एडिक्टेड हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 88% टीनेजर्स लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को लेकर एक्टिवेट हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको चेक ज़रूर करते हैं। करीबन 88% लोग ऐसे हैं जो हर घंटे अपने डिवाइस को बिना मतलब के चेक करते रहते हैं। जो चीज़ है ना, वो नशें भी बहुत ख़तरनाक है। मैं यहाँ पर नशे को अच्छा नहीं बता रहा हूँ, नशा कोई भी हो वो बुरा ही होता है। मानती हूँ
कि आज के टाइम में स्मार्टफोन ज़रूरी है, पढ़ाई उसी में होती है, ऑनलाइन क्लासेस उसी में होती है, नॉलेज उसी से भरता है, साथ में हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। कोई भी बच्चा कहीं भी जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो मोबाइल ज़रूरी होता है, बात करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो ज़रूरत कहीं जाहिर नहीं होती है और ये ज़रूरत कहीं जहर तो नहीं बनती जा रही है। कितनी ही फैमिली में ऐसा होता है कि स्मार्टफोन को लेकर की लड़ाइयाँ होती हैं, सारा दिन मोबाइल को लेकर बैठे रहता है, कुछ काम नहीं करता, यहाँ पर फ़ोन नहीं चलाना चाहिए जहाँ पर सिचुएशन बोल रही हो यार तुम्हें कुछ और काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे सोते टाइम अपने नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोग मोबाइल में क्रोमोमाइज़ यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, भले ही कितने चिड़चिड़े हो जाएं, कितनी ही डिप्रेशन में आ जाएं, कितनी ही बेचैनी हो जाए, पर मोबाइल उनसे नहीं छूटता। हो क्या रहा है ये? कोई काम कर रहे हो, कहीं कुछ सीख रहे हो, अपने बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है मोबाइल से, आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, कुछ क्वालिटी ऐड हो रही हो, तो समझ में आता है ये क्या गेम खेला जा रहा है, ये क्या मतलब सोशल मीडिया पे वे फालतू की फ़ोटो डाली जा रही हैं, लाइक की जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, लाइफ में क्या हो जाएगा, कुछ घट जाएगा क्या? अधिकतर जो टीनेजर्स हैं और जो यंग पीपल हैं ना, वो अपने स्मार्टफोन का यूज़ या तो गेम खेलने के लिए करते हैं या फिर फालतू की वीडियो देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे। हमें सबसे पहले ये समझना है कि आखिर किसी भी वीडियो को इतना एक्टिव क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो गेम और वीडियो बना रहा है उसको बिजनेस करना है। शुरू में हम गेम क्यों खेलते हैं, वीडियो क्यों देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोबाइल में आराम से टाइम पास हो रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन जब असल में वो चीज़ हमारे शरीर में घुल जाती है तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है। ये एक हार्मोन होता है जो तब रिलीज़ होता है जब हमें किसी काम को करने में मज़ा आने लगता है, और फिर किसी को काम करने में डोपामाइन रिलीज़ होता नहीं होगा। गेम में ऐसा बनाया जाता है ना कि उसे अलग अलग लेवल पर पार करने पड़ते हैं, उसे हमें एक आर्टिफिशियल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार मैंने इतने लेवल पार कर लिए। बचपन में जो गेम खेलते थे, भागना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, वो सब कहाँ गया? जो स्मार्टफोन के अंदर अपने गोल्स हैं वो आपकी रियल लाइफ में क्यों नहीं हैं? गेम्स के अंदर क्या होता है बताइए? स्मार्टफोन के गेम में जब भी आप कोई लेवल पार करते हैं तो आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, यानी कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कहीं कुछ और मिलता है ताकि जो अगला लेवल है उसे ठीक से पार कर पाओ। उसे पार करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, क्या आप रियल लाइफ में भी रिवार्ड्स नहीं दे सकते? अगर आपका होमवर्क पूरा हो गया तो खुद को रिवार्ड दो, थोड़ा बाहर घूम कर आओ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो जो बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसमें स्मार्टफोन को मत छेड़ो, मत छुओ, बाहर जाओ, किसी खुली हवा का सांस लो, मैदान में जाओ, अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने बड़ों से कुछ सीख लो। कुछ बच्चों के पास में बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं लेकिन वो लक्ष्य के कितने करीब हैं ये मेज़र नहीं कर पाते, लेकिन जब आप मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं तब आपको पता होता है कि मुझे 70 पॉइंट्स मिल गए हैं, मुझे 30 पॉइंट्स और चाहिए, मैं इतना दूर आ गया हूँ, इतना दूर और जाना है और इसके बाद मेरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वो अच्छा खेलने में लग जाते हैं। पता होता है ना हमें हम क्या कर रहे हैं मोबाइल पे, हमें एक एक चीज़ की जानकारी होती है,
हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है, कितना लेवल हमने पार कर लिया है, कितने पॉइंट्स चाहिए, कहाँ पर खतरा है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको बताना पड़ता है कि मंजिल कितनी दूर है। हो सकता है कि आप एक साल में अपनी मंजिल प्राप्त कर लो, या हो सकता है आपको 10 साल लग जाए। यह एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है यहाँ पर, इसलिए आपके जो रियल लाइफ के गोल्स हैं उसमें आपकी कोई डोपामाइन नहीं निकल रहा है, यानी कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो लोग आपको किस लिए याद करेंगे। क्या आपको इसलिए याद करेंगे कि भैया उस गेम में 20 लेवल तक पार कर लिए थे। आपको इसलिए याद किया जाएगा कि आपने अपनी रियल लाइफ में क्या क्या कमाया और क्या क्या किया। अगला सॉल्यूशन है कि बच्चों को उनके प्रोग्रेस के बारे में बताएं, उनको मोटिवेट करें कि वो सेल्फ मोटिवेट रहें। भाई ये ज़िंदगी है, तुम्हारी है। जो वीडियो बना रहा है, जो गेम बना रहा है, उसका काम है पैसा कमाना। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी वीडियो देखो जो आपकी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड कर रही हो। ऐसा काम करो जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। ये जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत है ना, अगर आप इसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी स्पीच या मेरी कही गई बातें मीनिंगफुल लगी होंगी और इनका मतलब भी आपको समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने घर पे, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनको मोबाइल की इम्पोर्टेंस भी बताइए और उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, वो कितना पीछे छूट रहे हैं, उनको ये भी बताइए। दोस्तों इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलती हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। इसी चैनल पर आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।